हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन psa.in। आज हम अपने इस वीडियो में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि एक नया चैप्टर है, वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए ये चैप्टर और इसके सारे पार्ट्स को भी देखना ना भूलिए, क्योंकि हम पार्ट वाइज इसके हर चैप्टर को, इसके हर एक्सरसाइज को कवर करेंगे और इसके डिटेल्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देंगे। और आशा हम ये करते हैं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और अगर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी अभी तक शुरू कर दिए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस बार सिस्टम बहुत कुछ चेंज हो गया है। बोर्ड एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो काफ़ी चेंज हो गया है, और ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है बच्चों के लिए, क्योंकि एक साथ सारा किताब का एग्ज़ाम उन्होंने आज तक नहीं दिया है। पर इस बार सारा किताब, पूरा NCERT की होल बुक आ रही है, पूरा फुल सिलेबस आ रही है, कोई पार्ट वाइज नहीं आ रहा। तो इसलिए बच्चों को ऐसे एग्ज़ाम देने की पहले से आदत नहीं है आप लोगों को। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग थॉरली ये सब का पढ़ाई कीजिए, और वीडियो आप कभी भी देख सकते हैं, यही सबसे अच्छी बात है कि आप क्लासेस अगर मिस भी कर रहे हैं तो फिर वीडियो आप देख के उस क्लासेस को कवर अप मेकअप कर सकते हैं। आप कभी भी चाहे तो इन सब वीडियोज़ को, आप हमारे चैनल के और भी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं, कितनी बार भी देख सकते हैं, जितनी बार भी देखिएगा आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होता जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज हमारा तीसरा चैप्टर, यह है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बट ये एक्चुअली में है क्या। तो जैसे कि हम जानते हैं, अपने पिछले क्लासेस में पढ़े थे कि लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। लीनियर इक्वेशन होता क्या है, ये हमने क्लास 7 में शायद पढ़ा है, क्लास 7 से हम पढ़ते आए हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या है। तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशंस होते हैं जिनमें जो कि एक लाइन फॉर्म करते हैं ग्राफिकली। अगर ग्राफिकली मैं इसको डिफाइन करूं तो लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशन होते हैं जो कि ग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, आइदर दिस और दिस, और इफ दे आर फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन देन वी कैन कॉल इट एज लीनियर इक्वेशन। ठीक है, चलो इन टर्म्स ऑफ अगर हम ये है, ये तो हो गया ग्राफ के प्रस्पेक्ट में। अगर मैं बात करूं कि ग्राफ में प्रस्पेक्ट में लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होते हैं जो कि विच फॉर्म्स अ लाइन, विच फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन, विच फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन जब हम उसको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। एंड जब हम बात करें इक्वेशन की इन टर्म्स ऑफ पावर, तो लीनियर इक्वेशन होता है इन टर्म्स ऑफ डिग्री वो इक्वेशन जिनमें x का हाईएस्ट पावर होता है 1। सी जैसे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। व्हाई इट इज अ लीनियर इक्वेशन, बिकॉज x का जो हाईएस्ट पावर है वो है 1। ठीक है, तो जहां भी आपको ये ऐसे इक्वेशन आपको मिलते हैं जहां पर x का जो हाईएस्ट पावर होता है 1 होता है, तो हम उन्हें लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और इनका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, वेयर ए इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड बी इज सम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये पता चल रहा है कि ग्राफिकली हमने क्या देखा कि लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन जिनका ड्रॉ होता है, और इन टर्म्स ऑफ डिग्री की बात करें, अगर जिनका एक्स का हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन होता है। बट फॉर एग्जाम्पल 2x² - 5x + 2 = 0, सो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, द पावर ऑफ एक्स इज 2। तो ये चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं पॉलीनोमियल चैप्टर में। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं, आगे और क्या जानते हैं कि दिस इज द जनरल फॉर्म, GNERL जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो आगे की और देखते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर x का वेरिएबल कितना है, x इज द ओनली वेरिएबल। पर कभी कभार मान लीजिए इस तरीके के इक्वेशन आप इनकाउंटर करने पड़े, जैसे 2x + 3y = 7। नाउ सच टाइप ऑफ इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1। यहाँ वेरिएबल दो दिया है, x और y दो वेरिएबल है, सो दिस वी कॉल इट एज लीनियर इक्वेशन इन
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बिकॉज हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो इस तरीके, जैसे इस तरीके के इक्वेशंस हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की अगर बात करें, एक्स के कितने सारे आंसर्स हो सकते हैं वो बता सकते हैं आप? एक्स के कितने सारे वैल्यूज हो सकते हैं या सोल्यूशन हो सकते हैं या जीरो हो सकते हैं, कितने सारे? एक, ओनली वन वैल्यू एक्स का आएगा, ठीक है। जैसे 2x इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 5 बाय 2। तो x का देखिए यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में x के कितने सारे वैल्यू आए, कितने आए? एक, ठीक है। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि x में हम जितने सारे वैल्यूज डालेंगे तो y के उतने सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे, ठीक है। तो मतलब ये इसका सोल्यूशन होता है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस, x और y का इनफाइनाइट सोल्यूशंस निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने x में मान लिया 0, तो y के कितने सारे वैल्यूज निकलेंगे? यहाँ हम देख सक रहे हैं कि अगर x मैंने 0 मान लिया तो 3y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 बाई 3, क्लियर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x के जितने सारे वैल्यूज डालेंगे y के उतने ही वैल्यूज निकलेंगे। खैर ये सब चीज़ें तो हमने पहले ही पढ़ा था क्लास 9 में, ये क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इनका भी ग्राफ का जो नेचर होता है वो कैसे होता है, वो x को भी काटेंगे और y को भी काटेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग क्लास 9 का रिकैपिचुलेट कर रहे हैं, हम कोई नया चीज़ नहीं पढ़ रहे, वही मैं बता देना चाहूँगा आप लोगों को। देखिए क्लास 7-8 में हमने ये पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन होते क्या हैं। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होते हैं जो mx plus c या ax plus b के फॉर्म में होते हैं, जो इस फॉर्म में होते हैं वो लीनियर इक्वेशन होते हैं, मतलब x का हाईएस्ट पावर 1 होता है, उनका ग्राफ में जब प्लॉट किया जाता है तो वो स्ट्रेट लाइन देते हैं। क्लास 7-8 में हमने ये पढ़ा था, ठीक है। फिर उसमें से कितने सारे वैल्यूज होंगे, जैसे 2x plus 5, x के कितने सारे वैल्यूज हो सकते हैं, कितने सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे? x के 1 सॉल्यूशंस ही निकलेंगे इन केस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बट व्हेन वी आर कंसिडरिंग अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि हमने क्लास 9 में पढ़ा था, देखिए सब कुछ रिलेटेड है। क्लास 6 में व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, देन क्लास 7 में, 7-8 में लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उनका ग्राफ कैसा होता है। 8 में हमने उसमें से सॉल्यूशन निकालना सीखा कि x के वैल्यूज के कितने सारे x के वैल्यूज हो सकते हैं। 9 में क्या सीखा था हमने, 9 में सीखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सीखा था, सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और यहां पर क्या सीखा था कि इसको ग्राफिकली प्लॉट कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम कितने सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं, ऐसे करके हम देख रहे हैं कि x के कितने सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं। x में जितना भी वैल्यू डालो y का उतना ही वैल्यू आएगा। अगर मैं x में 1 डाल रहा हूँ तो y का वैल्यू आएगा, 1 इधर डाला तो ये देगा 5 बाई 3, है कि नहीं। तो जितने भी x के वैल्यूज यहां पर मैंने डाला y के उतने ही सारे वैल्यूज निकले, ये हमने क्लास 9 में सीखा था। दैट मीन्स हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज वी कैन पुट इन एक्स का इन एक्स एंड इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वी कैन गेट इन वाई, करेक्ट। तो ये था क्लास 9 में, और इनके दो चार सॉल्यूशंस लेके हम कोई ना कोई ग्राफ इसका प्लॉट करते थे। देखिए और क्या बात थी कि देखो जब ये एक्स और वाई, जब यहाँ पर x और y है तो इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रेट लाइन होगा वो x एक्सिस को भी कट करेगा, y एक्सिस को भी कट करेगा, ठीक है। किसी भी तरीके से मान लेते हैं ऐसे, तो x एक्सिस को भी कट कर रहे हैं, y एक्सिस को भी कट कर रहे हैं, तो इस तरीके के ग्राफिकल इसके नेचर होंगे, ठीक है। तो ये था जो हमने क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़ा है अबाउट लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किसे कहते हैं, जिसमें एक वेरिएबल हो जिसका जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी। देन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने क्लास 9 में पढ़ा था, जिसका जनरल सॉल्यूशन था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पर दो वेरिएबल है एक्स और वाई, यहाँ पर कितने सारे वेरिएबल हैं, सिर्फ एक्स। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, एक्स एंड वाई, सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बट
इन क्लास 10, ये भी थोड़ा सा एक्सटेंशन है क्लास 9 के बाद, क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो है बट पेयर है, मतलब ऐसे दो इक्वेशन रहेंगे, जब भी ऐसे दो इक्वेशन दिए जाएंगे तो उसे कैसे सॉल्व करना है। दो इक्वेशन, तो जैसे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। तो क्लास 10 में हम बेसिकली पेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, पेयर मतलब जोड़ा। तो जोड़ा यहाँ पर किसका जोड़ा? लीनियर इक्वेशंस का जोड़ा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जोड़ा। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। सो दिस बिकम्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है? तो हम अपने इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे। इनको सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें से एक्स और वाई का वैल्यू निकालते कैसे हैं, एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं, चलिए देखते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमने देखा, व्हाट इज द जनरल फॉर्म? ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, क्लियर? तो इस जो पेयर को है बेसिकली हमें सॉल्व करना है। एग्जाम में क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्टली। जैसे मान लीजिए 2x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो, ऐसा एक इक्वेशन आया। या फिर 8x माइनस 10y प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो, आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? डायरेक्टली इस इक्वेशन को, इन दोनों पेयर को सॉल्व करके फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई पूछा जाएगा, ठीक है? फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का वैल्यू डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है? तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अब इसको निकालेंगे कैसे एक्स और वाई का? एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड, जो कि हम आप अपने आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, दैट वन इज ग्राफिकल मेथड। अनदर इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है? अनदर इज एंड वन मोर इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। नो, वन इज ग्राफिकल मेथड, एक तो हो गया ग्राफ बना के, ठीक है? एक सब्स्टिट्यूशन, एक एलिमिनेशन, एंड द फोर्थ वन इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये चार मेथड, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ग्राफिकल मेथड में तो ये तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हमें ग्राफ बना के हम सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द ग्राफिकल वे टू सॉल्व एंड दिस इज द एल्जेब्रिक वे, एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है? एल्जेब्रिक मेथड मतलब यहाँ हमें सॉल्व करना पड़ेगा, प्लस माइनस इंटू डिवाइड सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके हमें इसका सोल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ के तीन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एंड वन इज ग्राफिकल मेथड, जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो कैसे भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दो इक्वेशंस दे दिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे दिए हैं पेयर ऑफ, तो उसको कहा जा सकता है कि इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो, तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे? या फिर कहा जा सकता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, कुछ भी कहा जा सकता है। एक तो हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन, एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है जो जिसे हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम पूछा जाता है। अब वर्ड प्रॉब्लम से क्या होता है कि एक तो आपको लीनियर वर्ड प्रॉब्लम दे दिया, वर्ड प्रॉब्लम से आपको क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम से आपको इक्वेशन बनाना है, ठीक है? वर्ड प्रॉब्लम से आपको इक्वेशन इवॉल्व करना है, देन जो इक्वेशन आता है उसको आप कोई भी मेथड से सॉल्व करो।
आप अपने प्रिफर्ड मेथड से सॉल्व कर सकते हो। पर खास बात यह है कि जो वर्ड प्रॉब्लम आता है, वर्ड प्रॉब्लम में कोई मेथड कहा नहीं जाता कि इस मेथड से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो या एलिमिनेशन से करो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, वर्ड प्रॉब्लम में नहीं कहा जाता। पर डायरेक्ट क्वेश्चन अगर दिया रहा है कि देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे दिया गया है, सॉल्व करो बाय यूजिंग एनी वन ऑफ द मेथड, और कोई भी मेथड बोल दिया जा सकता है। तो यही दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक आइदर डायरेक्ट पूछा जाएगा, आइदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर वर्ड प्रॉब्लम पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के अपने इस वीडियो में हम कुछ लीनियर इक्वेशंस बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब कुछ सिनेरियोस दिए रहेंगे, डेली लाइफ सिनेरियोस, और डेली लाइफ सिनेरियोस जो कि हाँ, और जिन्हें हम इक्वेशन उसमें से इक्वेशन को डिराइव करेंगे, ठीक है। और सीखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला तरीका या अप्रोच क्या होना चाहिए, ताकि वर्ड प्रॉब्लम में से तो मुझे इक्वेशन बनाना है, और एक बार इक्वेशन बनाना आ गया देन हमें उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज, पहला एक्सरसाइज देखते हैं हम, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें ये कहा गया है कि हमें एक सिनेरियो दिया गया है, वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, उसमें से इक्वेशन लिखना है, उसको अभी सॉल्व नहीं करना, ठीक है। हमारे YouTube चैनल onlinepsa.in को सब्सक्राइब करने के लिए ये सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ ही नजर आने वाली घंटी पर क्लिक करें। सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल पे टिक करें और सेव करें। इससे जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमारा हर वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे।